वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में एक और टॉपिक के साथ मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, एमोर्टाइजेशन। एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस सबसे वास्ट टॉपिक में से एक टॉपिक है, बहुत सारे इसमें आपके सिलेबस में पार्ट है। अभी आगे एक दो टॉपिक और हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आपका कंप्लीटली डन होगा। चलिए, एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब समझते हैं क्या है कि आप एक इसको एमोर्टाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं ऋण मुक्ति। इसका मतलब ये होता है, आपने कोई लोन लिया है, उस लोन को एक इक्वल टाइम इंटरवल पर आप इंस्टॉलमेंट में पे कर करके उस लोन को, उस अमाउंट को आप रिड्यूस करते चले जाते हैं, इसको हम एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि बेसिकली इंस्टॉलमेंट को ही आप एमोर्टाइजेशन बोलेंगे। खैर, आप क्वेश्चन पे आइए। जो अभी तक आपने परसेंट वैल्यू ऑफ एनुटी आपने सीखा है, उसी से रिलेटेड टॉपिक चलेगा और वैसे ही क्वेश्चन आपने करना है। क्वेश्चन कैसा आता है, ये क्वेश्चन देखते हैं। आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है आपने? ये फॉर्मूला बच्चे कुछ भी नहीं है, सिंपल। जो पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? आपने फॉर्मूला पीछे पढ़ा था कि आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी आपने पढ़ा था आर इक्वल्स टू 1 - 1 + i^-n / i। ये प्रेजेंट वैल्यू आपने पढ़ा था ना बच्चे? तो इस बार आपके साथ में कुछ नहीं होने वाला। बस क्या होगा कि इस बार आपको आपके पास में एक प्रेजेंट वैल्यू दे देगा, लाइक मैंने इतने रुपए का लोन लिया, वो तो प्रेजेंट वैल्यू ही है, तो उसका इक्वल इंस्टॉलमेंट क्या होगा? तो आपको आर फाइंड करना होगा। तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो क्या आएगा आपका, आर इक्वल्स टू पी अपॉन दिस हो जाएगा ना, 1 - 1 + i^-n / i। तो आप एक पैसा लोन लेंगे और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे बताया गया है, तो आपका इतने समय का एक इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करते हो, तो वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स क्या होंगे? तो वो आपको निकालने का तरीका है। और इसी को क्या बोलते हैं, आर इक्वल्स टू पी ब्रैकेट, ये क्या, ये परसेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, ANI। तो ये वही चीज़ तो आ गई वापस घूम फिर करके। क्लियर है, बात समझ में आए बच्चे? ठीक है, अब एक क्वेश्चन पेपर में अगर आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से क्वेश्चन कैसा आएगा, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें 4-5 चीज़ें आपसे पूछेगा। ये नहीं कोई एक क्वेश्चन है वही 15 मार्क्स का आपका आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब वो क्या क्या पूछ सकता है वो आपके ऊपर है, वो एग्जाम में डिपेंड करता है, एग्जामिनर के ऊपर है कि भैया वो पूरे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में से कुछ भी आपसे पूछेगा मिला करके। तो अ लोन ऑफ रेट 30,000 रुपीज एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो एक लोन लिया आपने, तो जो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू है, मतलब 30,000 रुपये आपने किसी उधार लिए, तो प्रेजेंट वैल्यू है बच्चे ये, और आपके पास में i = 0.06 दिख रहा है, ज़्यादा पतला लग रहा है मेरे को, ये थोड़ा बड़ा कर लेते, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली, चलिए ठीक है, इज टू बी अमोटाइज बाय द इक्वल पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फॉर 5 ईयर्स। तो मैं 5 साल की इसके बराबर किस्त बनाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 5 बार। फाइंड द साइज ऑफ द ईच एनुअल पेमेंट, मतलब कि आपको आर पूछ रहा है यहां पर। तो बस सिंपल है, साधारण सी बात है, क्या करोगे, आर इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू अपॉन में ANI। ये चीज करोगे, क्या है इसका मतलब, वो मतलब भी समझते हैं। एंड आर इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू आपके पास में है दिस वन ब्रैकेट 1 - 1 + i^-n / i, इसी को बोलते हैं। एंड आर इक्वल्स टू पी, पी क्या आपका 30,000 है, ठीक है बच्चे, और अपॉन, नहीं तो पहला वाला फॉर्मा लगा दो आप, बाद में बस इसको जाकर ट्रांसफर कर लेना है आपने, 1 - 1.06 / 5/0.06 एंड आर इक्वल्स टू 30,000, ये तो ऊपर रहेगा, अपॉन 1 - 1/1.06 / 5
एंड अपॉन 0.06 एंड आर इक्वल्स टू 30,000 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन जी कहाँ है हमारे कैलकुलेटर महाराज जी। हेलो सागर सुमन, एक क्वेश्चन कर लो आप, उसके बाद उसको वाइंड अप कर देंगे ना, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं। एक बार मैं आपका, एक सेकेंड, हेलो हेलो, ये एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, देन मैं उसका एंड कर दूंगा, फिर जो उसके आगे सिलेबस को रीड कर करके आगे देखूंगा क्या रहता है आपका इस टॉपिक में आगे और करवाने के लिए। सिंकिंग फंड मेरे पास अभी सिलेबस फिर से निकाल के चेक कर लूँगा एक बार। दो तीन क्लास में खत्म हो जाएगी, कुछ टॉपिक डिलीट हो गए हैं उसको मैं फिर नहीं करवाऊंगा, ठीक है। दो तीन क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा बच्चे आपका, और आप मैट्रिक्स भी आप अपना अपने लेवल पे करिए, और फिर इसके बाद ऐसे टॉपिक जैसे कि लाइक कैलकुलस बहुत अच्छे से आपको उस पर पढ़ाया गया है, वीडियो बहुत शानदार तरीके से, दोबारा से उसको रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कैलकुलस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो चलिए मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में कंप्लीट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, और उसके बाद मैं कैलकुलस को हाँ आप मुझे सेंड कर देना सागर। जो डाउट नंबर उस पर भेज देना, डाउट नंबर आज मैंने स्कैन कर लिया है, उस पर मैं देख लूँगा आपके मैसेज को। और इन सेकेंड देखिए, जैसे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, तो आप मैथमेटिक्स और फाइनेंस के बाद मैं क्या करवाऊँगा, मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊँगा। लेकिन आप कहोगे सर इतना स्लो है तो कोर्स कैसे पूरा होगा, बच्चे मैं पहले ही बता देता हूँ, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स बहुत अच्छे से क्लासेस रिकॉर्डेड है, आप उसको देखिए आप। लेकिन अगर आप साथ साथ कुछ करना चाहते हैं तो आप इस समय कैलकुलस कर लो, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स और फाइनेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ज़्यादा नहीं, मैं लास्ट 4 to 5 ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा लेटेस्ट वाले, एंड उसके बाद फिर मैं आपका आ जाऊँगा कैलकुलस पे, क्योंकि कैलकुलस का लगभग लगभग 45% आपका पेपर जो है वो कैलकुलस से होगा, तो लगभग 50% ही हो गया एक तरीके से आपका कैलकुलस, आधा पेपर होगा कैलकुलस का। तो कैलकुलस के आप वीडियो देखना चालू कर दें साइड बाय साइड, जो चीज़ पढ़ा दिया सेम उसको रिपीट करके कोई फायदा नहीं है, उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करके फायदा है कि आपको नई चीज़ सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो कैलकुलस की क्लासेस आप उसको कोर्स को कवर करो, मैं मैथमेटिक्स और फाइनेंस कंप्लीट करते ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते ही मैं कैलकुलस के पास्ट ईयर क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। समझ में आया बच्चे? चलिए सॉल्व करते हैं। 1.06 एन इक्वल्स टू पावर 5 है ना, ठीक, 1.338 एन आर इक्वल्स टू 30,000 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.338 0.74 और अपॉन में क्या है 0.06 एंड आर इक्वल्स टू 30,000 0.7473 अपॉन 0.06 सॉल्व करेंगे। माइनस वन
0.2526 अपॉन 0.06 एंड आर इक्वल्स टू 30,000 अपॉन 0.2526 डिवाइडेड बाय 0.06 4.21 एंड आर इक्वल्स टू 30,000 डिवाइडेड बाय 4.21 30,000 डिवाइडेड बाय 4.21 तो 7,125 रुपया 89 पैसे का आप क्या कर ले, हर महीने की अपनी किस्त बनवा दो बच्चे। तो आप इस केस से 7×5=35 और 500 लगभग लगभग आप 36,000 के आसपास पेमेंट करना पड़ जाएगा, 6,000 के आसपास आपका बैच चला जाएगा अगर आप किस्त में लेते हैं तो सामान को। ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई? पढ़ते तो बच्चे क्वेश्चन रीड करके पता लगेगा, जैसे कि आपका पीछे वो तो क्वेश्चन जब सामने आप दोनों क्वेश्चन मेरे सामने रख दीजिएगा, एक क्वेश्चन ये इसमें पता नहीं लग पा रहा है, मैं उसमें मैं आपको देखिए ये डाउट जो आपका है ना कि पता कैसे लगेगा प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो आप क्वेश्चन सेंड कीजिए, वो क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा, देखो यहाँ से पता लग रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तभी आपका डाउट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए मैं भी इसमें ही नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर, बिगनिंग भैया बिगनिंग एक अलग कहानी है इसकी, चौथे साल के स्टार्टिंग में कितना प्रिंसिपल बकाया रहेगा, मतलब चौथे साल के शुरुआत में आप चाहो कि मैं इसका पैसा देकर के कहानी खत्म करता हूं, तो आप ब्याज थोड़ी दोगे फिर आगे आने वाले इंस्टॉलमेंट पे, आप तो चौथे साल में अपना प्रिंसिपल जो बचेगा वही तो दोगे। नहीं समझे मेरी बात? आपने एक हाउस लिया, लोन पे लिया, 2 साल बाद ही आपकी इनकम इतनी अच्छी होगी कि आप सोचोगे मैं देके फ्री करूं, तो आप आने वाले 20 साल तक का ब्याज थोड़ी भरोगे उस पर, 2 साल के बाद बोलोगे मेरा प्रिंसिपल कितना बचा है वो बताओ, उस प्रिंसिपल को देखने कहानी वहीं पे आप क्लोज कर दोगे अपना अकाउंट, है ना। तो यही कहानी है कि भैया 5 साल की बात है, तो 4 साल के स्टार्टिंग में, तो 4 साल के स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं अगर आप, तो फिर एक तरीके से 4th साल भी बच गया, क्योंकि शुरुआत में ही आप प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, एंड में पूछते तो भाई 4th साल का भी देना पड़ता, 4th साल भी बच गया और 5वां साल भी बच गया, तो 2 साल का आपका बेसिकली देखा जाए तो 2 साल का आपका जो इंस्टॉलमेंट है उस इंस्टॉलमेंट में से आपको 2 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालने की नीड है। नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझे लगता है मेरी बात? अरे भाई आपको 5 इंस्टॉलमेंट देना है, 7,125 का, 7,125, 7,125 का 5 इंस्टॉलमेंट देना है, और 4th साल के स्टार्टिंग में आप कह रहे हो मेरा प्रिंसिपल कितना बचा हुआ है, तो 3 साल तो पे कर ही दिया आपने, 4th साल के स्टार्टिंग में पूछ रहे हो, तो मतलब कि अब आपको 2 किस्त और देने थे इसके, तो ये 2 किस्तों में से क्या करो आप इसके इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर दो, मतलब इनका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो आप 2 का, पहले आप ट्राई करो फिर बताता हूं इसको। देखो बच्चे आप मेरी बात को समझिए, पहले क्या कर, द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द फोर ईयर, तो पहले साल आपने पे करा, दूसरे साल पे करा, तीसरे साल पे करा, चौथे साल की शुरुआत हुई और आपने कहा कि भैया मेरा कितना पैसा बचा हुआ है वो बता दो मैं देकर खत्म करता हूँ, तो जाहिर सी बात है आप ये 2 इंस्टॉलमेंट आगे का देकर के खत्म नहीं कर करोगे, क्योंकि इसमें तो ब्याज है ना, जब आपने पहले साल भरा, दूसरा साल भरा, तीसरा साल भरा, चौथे साल के स्टार्टिंग की बात कर रहे हो, तो इसमें आप इंटरेस्ट क्यों पे करोगे, जो आने वाले जो 2 साल आप पहले ही पेमेंट करना चाह रहे हो, अब लोगों के साथ 4, 2, 6 होते हैं तो 5 साल है, अरे मेरे बच्चे 4th साल के बिगिनिंग की बात कर रहा है, बिगिनिंग का मतलब कि 4th साल का भी आपका इंस्टॉलमेंट जाना है एट द एंड में, तो उसमें से ब्याज हटाओगे, 5 साल का ब्याज हटा करके जो प्रिंसिपल बचा हुआ उस प्रिंसिपल को देकर के कहानी खत्म कर दोगे ना आप यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, आर ए एन आई, मतलब कि क्या है आपका, इसका मतलब हो गया प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, आर आपका क्या है, आर आपके पास में है 7125.89, 7125.89 और आपके पास में आर ये
ये हो गया एंड ए दिस वन एंड आपका 2 साल, इसमें से 2 साल का इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर दो एंड आई 0.06। सिंपल प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? 7125.89, अभी तक तो वही सीखते आए हो प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। 1 माइनस 1 प्लस आई 0.06 रेज टू पावर -2 अपॉन आई 0.06 पी इक्वल्स टू 7125.89 1 माइनस 1 अपॉन 1.06 रेज टू पावर 2 अपॉन 0.06 एंड पी इक्वल्स टू 7125.89 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 1.06 इंटू इक्वल्स टू 1.1236 अपॉन 0.06 एंड पी इक्वल्स टू 7125.89 एंड 1 माइनस 1 अपॉन 1.1236 0.8899 अपॉन 0.06 पी इक्वल्स टू 7125.89। सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम, 1 माइनस 0.8899 एंड डिवाइडेड बाय 0.06, 1.835। कुछ तो गड़बड़ करा है क्या मैंने? चल कोई बात नहीं, नहीं सही चल रहा है। P इक्वल्स टू 7125.89 इंटू दोबारा 1 माइनस 0.8899 डिवाइडेड बाय 0.06, 1.835 इंटू 7125.89। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू 13076। तो 13076 रुपया देकर करके प्रिंसिपल का वो पैसा देकर के बोल सकता है कि भैया ये लमसम खत्म करो इसको, ठीक है। समझ में आया बच्चे ये? चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो समझ में आ गए अच्छे से। इंटरेस्ट इन द फोर्थ पेमेंट, जो आप फोर्थ पेमेंट कर रहे हो, फोर्थ वाला पेमेंट जो है उसके अंदर इंटरेस्ट कितना है आपका? इंटरेस्ट इन फोर्थ पेमेंट, तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आपका ब्याज ब्याज कितना जा रहा है वो निकालो आप। तो फोर्थ पेमेंट है उसके अंदर आप आपका इंटरेस्ट आपने कितना भरा है वो निकालो, ठीक है। चलो करो जरा। हाँ जी बच्चे देखिएगा, इंटरेस्ट इन फोर्थ पेमेंट, चौथे पेमेंट पे इंटरेस्ट कितना होगा? अब आप ब्याज किस पे देते हो? प्रिंसिपल पर देते हो। तो आप देखोगे फोर्थ पेमेंट पे आपका कितना प्रिंसिपल, कितना पैसा उसको देना था। आप नहीं समझ रहे आया? तो आप बेसिकली क्या करते हैं कि फोर्थ पेमेंट पे आप देखोगे आपका प्रिंसिपल कितना आपका बकाया था, प्रिंसिपल कितना आपका रहता था। फोर्थ पेमेंट पे कितना इंटरेस्ट दोगे, सवाल ये है।
तो जस्ट फोर्थ पेमेंट जो आप पे करने जा रहे हो एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर, वो आप पे करोगे जो कि आपका रिमेनिंग आगे इन फ्यूचर प्रिंसिपल बाकी है। फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे 1 लाख रुपये आपसे उधार लिए मैंने, अब मैंने उसमें से 60,000 आपको पे कर दिया, तो अब मैं जो आपको इंटरेस्ट पे करूँगा वो 40,000 रुपये आपसे जो बकाया है जो आप आपको देने हैं वो 40,000 रुपये मैं आपको इंटरेस्ट पे करूँगा। तो उसी तरीके से जो फोर्थ पेमेंट पे मैं आपको इंटरेस्ट पे करूँगा, तो फोर्थ पेमेंट में मेरा कितना प्रिंसिपल है, पूरा प्रिंसिपल नहीं है 30,000, मैंने कुछ किस्तों में पहले ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, 3 किस्त तो मैंने दे दी है, अब तो मैं चौथा वाला जो किस्त दूंगा आपको उसमें और एक पांचों वाला किस्त दूंगा, तो ये मैं यहां पे ये निकाल लेता हूं कि मेरा प्रिंसिपल कितना बकाया है जो कि मैंने यहां से निकाला था, याद है, क्लियर है बच्चे, ये निकाला था ना मेरे कि जब मैं चौथा पेमेंट देने के लिए जा रहा हूं तो मुझे कह रहा भाई अभी भी आपके इतने पैसे बाकी हैं, ठीक है बच्चे, इतने पैसे बाकी हैं मेरे, तो मैं इसी पे तो ब्याज दूंगा, क्या था थर्ड का आंसर, सिंपल है, जब मैं फोर्थ पे पेमेंट देने जा रहा हूं तो मेरा कितना प्रिंसिपल बाकी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे चुका, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर चुका, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर चुका, अब मेरा प्रिंसिपल कितना बकाया है, तो 7,125.89 जाइए, मेरा ये प्रिंसिपल बकाया है चौथे पेमेंट पे, तो मैं अपना इंटरेस्ट क्या पे कर रहा हूँ, 0.06 पे कर रहा हूँ, तो मुझे इस पे इतना ब्याज, जो प्रिंसिपल उसी पे तो ब्याज दूंगा मैं, इस पे इतना सोचना और समझना क्या है, 7125.89 मल्टीप्लाई बाय 0.06, तो ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एक दूसरे से रिलेट करते हुए जाएंगे, 427, 7125.89 मल्टीप्लाई बाय 0.06, 427, सात हजार एक सौ इक्कीस, नहीं ये नहीं है सॉरी, ये तो मैंने क्या पकड़ लिया, ये मैंने किस्त पकड़ लिया, मेरा प्रिंसिपल कितना बकाया था, ये हाँ ये है ना मेरा प्रिंसिपल बकाया था, 13,076 बाकी था यार, क्या बात कर, 13,076 रुपये इस पर ये प्रिंसिपल है 0.06, 13,076 × 0.06 हाँ, तो मैं इंटरेस्ट जो पे करूँगा 7,884.56 ये मैं इंटरेस्ट पे करूँगा, थर्ड का आंसर है, ठीक है बच्चे, फोर्थ हेलो फोर्थ देखें बच्चे, अ लोन ऑफ रेट 10,000 रुपीज इज टू बी रीपेड बाय द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, सॉरी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया हूँ, फोर्थ प्रिंसिपल कंटेंड इन द फोर्थ पेमेंट, चलो इसको आप सॉल्व करो जरा, प्रिंसिपल कंटेंड इन द फोर्थ पेमेंट पर फोर्थ पेमेंट में कितना प्रिंसिपल है, सिंपल क्वेश्चन है यार, करो चलो, मैं चौथा किस्त देने जा रहा हूँ, हर किस्त तो मुझे आपको पता है कितने दे रहा हूँ मैं, 7,125 का दे रहा हूँ, बस इसमें ब्याज भी है, लेकिन जो चौथा वाला मैं किस्त दे रहा हूँ ये भी इतने का 7,125 का, लेकिन वो तो ब्याज समय देना था, अमाउंट पे कर रहा हूँ ना मैं, तो प्रिंसिपल और अमाउंट, उसमें प्रिंसिपल कितना है फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में प्रिंसिपल कितना है,
देखो बच्चे, फोर्थ वाला जो किस्त है फोर्थ पे प्रिंसिपल कितना है, तो फोर्थ वाला मैं एज अ अमाउंट क्या पे कर रहा हूँ, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल मुझे 12,000 रुपये आपको देने हैं, 2,000 रुपये इसमें ब्याज के हैं, तो कितने रुपए प्रिंसिपल प्रिंसिपल बचता है, 10,000 रुपये, यही होगा अमाउंट मेरा कितना है। फोर्थ वाले की बात कर रहा है, सिर्फ फोर्थ, TH का मतलब सिर्फ फोर्थ की बात कर रहा है, तो अमाउंट कितना है जो मेरा इंस्टॉलमेंट है, 7,125.89, ये मेरा अमाउंट पे करना है। और इस पर आपको पता लग ही गया है कि मेरा जो है फोर्थ वाले पे मेरा अमाउंट कितना जाना है, क्योंकि आपने इस पर फाइंड आउट किया था ना। देखो इंटरेस्ट इन इन द फोर्थ पेमेंट, फोर्थ पेमेंट पे इंटरेस्ट कितना, वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया थर्ड पॉइंट में, 784, इसमें से 784 अमाउंट इतना है इसका, 0.56, 0.56, ठीक है बच्चे, सॉल्व करेंगे। सेवन वन टू 5.89 माइनस 784.56, 6341.33, ठीक है बच्चे, तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। फोर्थ का आंसर आपने दिया यहाँ पे, अब फिफ्थ के आंसर पे आते हैं। टोटल इंटरेस्ट पेड, कुल कितना ब्याज दिया, तो कुल प्रिंसिपल कितना है आपको पता ही है, कुल आपने अमाउंट कितना पे करना है पता है आपको, चलो करो आसान क्वेश्चन है, टोटल इंटरेस्ट कितना भुगतान करोगे पांचों इंस्टॉलमेंट में आप, आसान सवाल है पांचवा, तो बच्चे ऑनलाइन आते हैं फिर क्वेश्चन देता हूं फिर भाग जाते हैं ये। देखो भाई कुल ब्याज कितना आपने भुगतान किया है, फिफ्थ देखिएगा, टोटल इंटरेस्ट कितना पे करेंगे आप, फिफ्थ का आंसर दे रहे हैं, टोटल इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना पे कर रहे हो आप, 7,125.89 का एक इंस्टॉलमेंट, और ऐसे 5 बार पे करोगे, टोटल इतना पेमेंट जा रहा है, और आपने उधार लिया था जो कि 30,000 रुपये, तो ये इसे माइनस कर दो, तो आपका जगह इंटरेस्ट कितना आपने पे करना है कैलकुलेटर पे। सेवन वन टू 5.89 इंटू 5 माइनस 30,000, तो सॉल्व करते हैं, 5,629.45, तो लगभग लगभग 5,629 या 5,630 रुपये का आपने क्या पे करा, टोटल इंटरेस्ट पे कर दिया आपने। ठीक है, अब गाइडलाइन देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, उसमें अगर आगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए रिलेटेड, उसी रिलेटेड था, कोई खास नहीं था, बट अब गाइडलाइन को देखेंगे, और अगर आपके पास में है ये तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। द एनुअल इंस्टॉलमेंट, वैसे द कैपिटल कंटेंट इन अ 8th इंस्टॉलमेंट एंड द प्रिंसिपल रीपेड आफ्टर द 12th इंस्टॉलमेंट हैव बीन पेड, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे, ठीक है, और एक दो क्लास में कवर करके प्रीवियस ईयर मैं कुछ 3 साल 4 साल के क्वेश्चन डिस्कस करके फिर मैं आपका कैलकुलस पे जाऊंगा, तो आप लोग एक्स्ट्रा अपने जो एफर्ट लगा रहे हैं कैलकुलस को जल्दी से रिकवर कर लो, क्योंकि उसमें मैं सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आऊँगा।